नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर जी के न्यूज के पीएल ग्रुप में। तो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन सीरीज चालू करते हैं हमारी। ये दूध में कितने प्रतिशत लैक्टोज होती है? 2.5%, 3.5%, 4.5%, 5.6%। 4.5%, राइट। सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाए जाते हैं? सर्वाधिक प्रोटीन पूछा है, खीस में, दही में, दूध में या घी में? तो सर्वाधिक प्रोटीन खीस में पाया जाता है। निम्न में से चूर्णीय औषधि है? गंधकवटी, टेरामाइसिन, हिमालय बत्तीसा या सभी? हिमालय बत्तीसा, राइट। निम्न में से शामक औषधि है? हींग, एस्पिरिन, इथर, मार्फिन? दोस्तों, मार्फिन शामक औषधि है। गलघोंटू के लिए टीका है? आरपी वैक्सीन, बी क्यू पॉलीवेंट वैक्सीन, एच एस ऑल वैक्सीन, एफ एम डी पॉली वैक्सीन? तो एच एस ऑयल वैक्सीन, राइट। रिंडरपेस्ट फैलती है गाय भैंस में, भेड़ बकरी, गाय बकरी, सभी में? तो गाय भैंस में। निम्न में से संसर्ग रोग है? खुरपका, मुंहपका, गलघोंटू, जहरवाद, सभी? तो सभी संसर्ग रोग हैं, सभी, राइट। टॉगिंग किस में प्रचलित है? गाय में, भैंस में, भेड़ में, मुर्गी में? तो टैगिंग मुर्गी में प्रचलित है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए किस विधि का इस्तेमाल करते हैं? रेक्टोवैजाइनल विधि का, वेजाइनल स्पेक्युलम विधि का, एक और दो, दोनों का, कोई नहीं? रेक्टोवैजाइनल विधि का प्रयोग करते हैं, रेक्टोवैजाइनल विधि का। सामान्यतः पशुओं में जेर निष्कासन कितने समय में हो जाता है? 2 घंटे में, 12 घंटे में, 24 घंटे में, बछड़े के जन्म के साथ? 2 घंटे में, राइट आंसर। हे में कितने प्रतिशत शुष्क पदार्थ होते हैं? 20%, 40%, 60%, 80%? 80%। सर्वाधिक प्रचलित हरा चारा कौन सा है? साइलेज, रिज का बरसीम, गेहूं व जई, सरसों व ज्वार? रिजका व बरसीम। तो दोस्तों, इस प्रकार की और अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक पास में बेल का आइकन का बटन है उसको जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, जो सब्सक्राइबर है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। और दोस्तों, हमारा www.agrigk.wixsite.com/1234 वेबसाइट है। इस वेब एड्रेस को आप गूगल बार में टाइप करके हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6375371137। इस नंबर पर कॉल वगैरह नहीं करें, सिर्फ ओनली व्हाट्सएप मैसेज के लिए है। आप व्हाट्सएप पर SMS भेज सकते हो, आप इस नंबर पर कॉल बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।